कल पिपरिया में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन शाखा जिला होशंगाबाद के समस्त सफाई कर्मचारियों द्वारा मांग पत्र नगर पालिका सीएमओ को सौंपा गया। मैं दिलीप हारिया हूँ। ये आज आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर महोदय को, हमारे यहाँ सीएमओ साहब को। ये 1/7/2020 को कलेक्टर महोदय को अपन ने एक ज्ञापन सौंपा, उसमें अपन ने 15 दिन का उनको समय दिया था। 15 दिन अपने पूर्ण होने के बाद हमारी मांगे कोई मंजूर नहीं हुई। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांग है हमारी, जो लोग बेनियमित हुए हैं उनका नियमितीकरण। दूसरी मांग है हमारी 2004 के बाद पश्चात जो पेंसिल स्थायी कर्मियों की जो पेंसिल बंद की है वो पेंसिल चालू की जाए। तीसरी हमारी मांग है ये रोस्टर पहलानी जो है लगाई है इन्हें, वो बंद की जाए। तक हमारी ये मांगे मंजूर ना नहीं की जाएंगी तो ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन चलेगी। ये मांगे मंजूर कर लेंगे तो हड़ताल टूट भी जाएगी। वैसे शासन को भेज दिया है, शासन है, अब काफी समय से हम लोग ये लड़ाइयां लड़ते चले आ रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी कोई मांगे मंजूर नहीं की शासन ने, लेकिन इस बार अब हम लोग सबरे सक्रिय होकर और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। मांग मंजूर नहीं होगी, हड़ताल हम खत्म नहीं करेंगे। मतलब आज से आप काम बंद कर रहे हैं? आज से काम बंद हो गया, सुबह से अनिश्चितकालीन काम बंद चलेगा संपूर्ण जिले में। हाँ, होशंगाबाद पूरी जिले में जिले की हड़ताल है, अनिश्चितकालीन रहेगी, तब तक रहेगी कि जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाए हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। इसी महामारी को देखते हुए सारे अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी है वो घर में बैठे हैं। हम सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसकी सैलरी 5 से 6 हजार रुपए हमको मिलती है। हम भी अपने बच्चों को कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमको इस छोटी सी उसमें करके हमारा क्या होगा। हम भी चाहते हैं कि नियमितीकरण होए, हमारे बच्चों को कुछ लाभ मिल सके। इस बीमारी में अगर हमको कुछ हो गया तो हमको कोई फायदा नहीं है। कुछ थूकना और बैठना पसंद नहीं करते। हमारा कर्मचारी वहाँ पर नाले में घुस रहा है, नाली में घुसता है, कचरा उठाता है, बताओ उसको कोरोना क्या हमारा मित्र है? क्या हमको नहीं होगा, हमारे कर्मचारियों को नहीं होगा? अरे हम भी उससे पीड़ित हो गए, हमारे कर्मचारी भी कई जगह पर शहीद हो गए। हो सकता है कल हमारे जिले में, होशंगाबाद जिले में, नगर पिपरिया में, बाबई में, सहमी, शाहपुर और अपने इटारसी में भी बीमारी हो सकती है और उनकी मौत भी हो सकती है। तो कम से कम हमारे शासन से एक मांग और है कि हम लोगों को बीमा कम से कम 20 लाख रुपये का बीमा हर कर्मचारी का होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, उन 11 सूत्रीय मांगों में एक मांग ये भी है। की हड़ताल है आज की इन्होंने शुरू की थी। इससे पहले भी इन्होंने ज्ञापन दिया था कि वो ज्ञापन दिया था, ज्ञापन के तहत कुछ मांग थी, कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया था, राज्य शासन से मांग किया था। और इनका ये था कि अगर नहीं करेंगे तो 21 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। तो आज भी 21 तारीख है, इसमें निकाय स्तर पर कोई भी इनकी मांगे नहीं है। निकाय स्तर पर जो भी मांगे थी उनका समाधान किया जा चुका है। राज्य स्तर से, राज्य शासन से जो मांगे हैं वो लंबित हैं, किसी वजह से इन्होंने 21 तारीख की है। और अभी इनको समझाइश दे करके कि भाई आप यूनियन की तरफ से नहीं पर जिम्मेदार नागरिक होने की तरफ से आप नगर की सफाई कीजिए, तो ये मान गए हैं। और अभी सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन होता था वो कचरा कलेक्शन किया जाएगा। और शहर में स्पॉट में जो कचरे गंदे पड़े रहते तो उसको भी पिकअप करेंगे। हाँ, रूटीन में जैसे सफाई होती थी वो अभी प्रभावित है, पूरी जाती तो काम पर भी वापस आ जाएगा।